मैं प्रिया आपके साथ। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बुधवार रात करीब 9:20 पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 9:40 पर आग पर काबू पा लिया। जब आग लगी तो वहां बड़ी संख्या में पैसेंजर भी मौजूद थे। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। CISF के अधिकारी ने बताया कि आग एयरपोर्ट के 3rd AC डिपार्चर टर्मिनल बिल्डिंग में लगी थी। यहाँ से पैसेंजर चेक इन भी करते हैं। यहाँ के सरकारी स्टोर रूम में रखे कागजों ने पहले आग पकड़ी थी, जो बाद में AC डक्ट तक फैल गई। इस दौरान एक चेक इन काउंटर भी जल गया। एयरपोर्ट पर कुछ देर पैसेंजर की आवाजाही प्रभावित हुई, जो अब पूरी तरह सामान्य हो गई है। सभी सेवाएं दोबारा शुरू कर दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोलकाता एयरपोर्ट पर हुई घटना को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि एयरपोर्ट के चेक इन काउंटर के पास मामूली आग लगी थी। मैं एयरपोर्ट डायरेक्टर्स के संपर्क में हूँ, हालात नियंत्रण में है। सभी यात्रियों और कर्मचारियों को वहाँ से निकाल लिया गया है। सभी सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। चेक इन प्रोसेस रात 10:25 फिर से शुरू हो गई। फिलहाल आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं है, जल्द से जल्द पता लगाया जाएगा।